हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका आज नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। पाठ का नाम है ठीक समय पर और ये कविता है सोहनलाल द्विवेदी जी की जो आपके सामने आज हम पढ़ेंगे। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर रोज नहाओ, ठीक समय पर रोज नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ते जाओ, ठीक समय पर पढ़ते जाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ, तो तुम बहुत बड़े कहलाओ, तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की है। इसमें सोहनलाल द्विवेदी जी ने बच्चों के नित्य कर्म जो होते हैं उनके बारे में व्याख्या की है। कवि कहता है कि रोज समय पे उठ जाओ, रोज समय पे उठो, रोज समय पे नहाओ, क्योंकि समय अगर हर चीज़ का हम डिवाइड कर दें, बांट दें, तो हमारा काम आसान होता है और समय पे सभी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और सब आपकी तारीफ भी करेंगे। अब अगर आप सुबह उठ के जल्दी से नहा लोगे, ठीक है, सुबह उठ जाओगे, जल्दी से नहा लोगे, समय पे खाना खा लोगे, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद से आपके घर वाले भी आपको डांटेंगे नहीं, आप आराम से मौज मस्ती कर सकते हो, समय आपका निर्धारित कर लो कि ये सब कुछ करने के बाद आप गाना भी गा सकते हो और उसके बाद सब कुछ करिए, आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा। और आप अगर आप समय पे, तो समय आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा सभी बच्चों के लिए। इसीलिए सोहनलाल द्विवेदी जी ने समय के बारे में बताया है कि सब कुछ ठीक समय पे, आपने पाठ का नाम भी सुना है ठीक समय पे, इसलिए सारी चीज़ें ठीक समय पे अगर हों तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अब आपने अपने घर में देखा होगा कि मम्मी हमेशा कहती हैं, पापा हमेशा कहते हैं, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करो, ठीक समय पे करो। ये जो शब्द है ठीक समय क्यों कहा गया है, क्योंकि समय पे जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए, हमारे लिए सभी सब अच्छी होती हैं। समय ऐसी चीज़ है जिसमें अगर हम अपने काम को बांट देते हैं तो एक तो आसान हो जाता है काम, और आपका काम भी आसान होगा तो आपको हर कोई हर काम के लिए परेशान और डांटेगा नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से कार्य ठीक समय पर करना चाहिए, कौन कौन से कार्य ठीक समय पर करना चाहिए। उत्तर हमारा होगा, हमें रोज समय पर उठना, नहाना, खाना, पढ़ना, खेलना आदि करना चाहिए। क्या ठीक समय पर, जो प्रश्न में पूछा गया हमें ठीक समय पर क्या कर क्या करना चाहिए, तो हमें रोज समय पर उठना, नहाना, खाना, पढ़ना, खेलना आदि करना चाहिए। अब हमने ये सारे प्रश्न उत्तर और पाठ को हमने ध्यान से पढ़ा। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देंगे। अगर हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, चैनल आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।